है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ करवा चौथ थाली सेट, जो कि मार्केट में बहुत ही कॉस्टली प्राइस में मिलता है और जिसे हम बनाएंगे हमारे घर पे अवेलेबल चीज़ों से। तो यहाँ पर मैंने एक डिस्कार्डेड प्लेट ली है। आपके पास भी ऐसी कोई पुरानी या डिस्कार्डेड प्लेट हो तो आप ले सकते हैं। उस प्लेट का नाप लेकर मैंने यहाँ पर एक रेड सिल्क का कपड़ा लिया है। आप चाहे तो कोई भी और फैब्रिक भी, जो भी आपके पास पड़ा हो वो ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर रेड सिल्क का कपड़ा लिया है। अब मैं थाली पर फैब्रिक ग्लू लगा रही हूँ। आप चाहे तो फेवी बॉन्ड या फिर ग्लूगन का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फैब्रिक ग्लू लगा रही हूँ। उसके बाद मैं इस कपड़े को इस पर स्टिक कर दूँगी। स्टिक करने के बाद मैं उस पर कुछ भारी सामान रख दूँगी ताकि वो अच्छी तरह से चिपक कर सूख जाए। तो इस तरह से मैंने इस पर कपड़ा चिपका दिया है। आप चाहें तो वेलवेट का भी ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। मेरे पास सिल्क का था तो मैंने सिल्क का लिया है। इस तरह से चिपका कर अब मैं इसे सूखने के लिए रख दूँगी। अब यहाँ पर हमने जो मिट्टी का घड़ा लिया है हम उसका डेकोरेशन करेंगे। इसके जगह आप स्टील का गिलास भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने डेकोरेशन करने के लिए कुछ मोती चेन, कुछ स्टोन्स और डायमंड चेन लिए जो कि मेरे पास पड़े थे, उससे ही मैं इसका डेकोरेशन कर रही हूँ। साथ ही में मैंने कुछ गोटा और लेस भी ली है। यहाँ जो मैं लेस का यूज़ करूँगी उसे किरण बोलते हैं, जो कि बहुत ही बजट में आती है, बहुत ही सस्ते आता है इसका पैकेट और दिखने में भी बहुत ही ट्रेडिशनल और सुंदर लगता है। तो यहाँ पर मैं उस लेस को यहाँ पर लगा दूँगी इस गोलाई में। इसे मैं नॉर्मल ग्लू से लगा रही हूँ। ये बहुत ही आसानी से स्टिक भी हो जाती है और दिखने में भी बहुत सुंदर लगती है। अब यहाँ पर मैं छलनी का डेकोरेशन कर रही हूँ। छलनी पर भी मैं रेड सिल्क फैब्रिक लगा रही हूँ। इस पर भी मैंने सबसे पहले फैब्रिक ग्लू लगाई है। उसके बाद मैं इसके साइज़ का कपड़ा कट करके इस पर लगा दूँगी। जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा उसे स्टिक करने के बाद मैं कट कर दूँगी। दोनों एजेस को स्टिक करने के लिए और सिक्योर करने के लिए यहाँ पर मैं सेलो टेप लगा दूँगी, ताकि जिसे सूखने के बाद मैं हटा दूँगी। जब ये पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा तब मैं सेलो टेप हटा दूँगी। साथ ही मैं यहाँ पर कपड़े वाले क्लिप्स भी लगा दूँगी, जिससे ये थोड़ी देर तक अच्छी तरह चिपक जाए। उसके बाद मैं कपड़े वाले जो क्लिप्स होते हैं वो भी हटा दूँगी। अब यहाँ पर प्लेट जो थी, प्लेट का एक्स्ट्रा कपड़ा जो बचा था वो मैंने काट दिया है। और यहाँ पर जो भी, क्योंकि सिल्क का कपड़ा है तो उसमें धागे निकल रहे थे, तो उसे मैंने अगरबत्ती से थोड़ा सा जला दिया है। अब यहाँ पर मैं छलनी का डेकोरेशन कर रही हूँ। इसके लिए भी मैंने किरण ली है और इसको दोनों ओर लगा दूँगी। बीच में मैं डायमंड लेस लगा दूँगी जो कि बहुत सुंदर लगेगी इस पर। साथ ही मैं यहाँ पर एक हैंगिंग का भी यूज़ कर रही हूँ जो मेरे पास पड़ी थी। आपके पास भी ऐसी कोई हैंगिंग हो तो आप ज़रूर ट्राई करें, या फिर आप मोती से भी हैंगिंग बना सकती हैं। अब यहाँ पर मैंने कुमकुम और चावल रखने के लिए दो कंटेनर्स लिए हैं। पहले इन कंटेनर्स के लिए मैं एक होल्डर बनाऊंगी। इसके जो ढक्कन है उस पर लगाने के लिए होल्डर बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने एमसिल ली है। एमसिल में दो तरह की ट्यूब्स आती हैं जिसे मिक्स करना होता है, वो भी इक्वल क्वांटिटी में। अब मैं मिक्स कर इसके होल्डर बना लूँगी। होल्डर शेप बनाकर मैं उसे फेविकोल से चिपका दूँगी, जिससे दिखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। बाद में मैं इन कंटेनर्स को पेंट कर दूँगी। अगर आपके पास ऐसे छोटे कंटेनर्स नहीं हैं तो आप इसकी जगह दिया भी ले सकती हैं। अब मैंने यहाँ पर येलो ऑयल पेंट से इन कंटेनर्स को पेंट कर दिया है। अब मैं एक पतले से कार्डबोर्ड पर इस कंटेनर की जो गोलाई है उसे ड्रॉ कर रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर एक पिकअप बना रही हूँ जो कि मैं उस पर चिपकाऊँगी प्लेट पर, जो कि बहुत ही ट्रेडिशनल लगेगा और करवा चौथ की थीम से बहुत ही मैच करेगा। आप चाहें तो कुछ अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डिज़ाइन बना सकती हैं। मैंने यहाँ पर पिकॉक्स बनाए हैं, दो बना रही हूँ मैं। और यहाँ पर मैंने डार्क ब्लू कलर का वेलवेट का फैब्रिक लिया है, जिस पर मैं इन दोनों को स्टिक करके कट कर लूँगी।
अब दोनों को अच्छी तरह से स्टिक करने के बाद यहाँ पर जो मैंने कंटेनर्स लिए थे उसे भी मैं फेविकोल से स्टिक कर दूंगी और सूखने के लिए रख दूंगी। बाद में इसको मैं डेकोरेट कर दूंगी, जो मैंने पिकॉक्स बनाए हैं उन्हें मैं डेकोरेट कर दूंगी। डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैंने मोती माला और कुछ डायमंड चेंस का यूज़ किया है, साथ ही मैं दो ग्लिटर ट्यूब भी यूज़ करूँगी, गोल्डन और रेड। तो इस तरह से मोर बिल्कुल बनके तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ पर जो खाली जगह बचेगी उस पर भी मैं गोटा लगा दूंगी और जो कंटेनर्स हैं उस पर मैं रेड ग्लिटर ट्यूब से कुछ छोटी छोटी बूंदे लगा दूंगी, जो कि एक डायमंड की तरह लगेंगे और दिखने में बहुत ही सुंदर लगेंगे। इस तरह से हमारी थाली बनकर बिल्कुल तैयार है, जो कि एकदम मार्केट वाली लग रही है। आपको ये कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपने ट्राई किया है तो वो भी ज़रूर बताएं। आप भी एक बार घर पर बनाकर ज़रूर देखें ये बजट फ्रेंडली थाली सेट, आपको बाज़ार से लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप ज़रूर इस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे वीडियोज़ आपको इसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू, बाय बाय, स्टे क्रिएटिव, स्टे हेल्दी।